जय श्री राम भक्तों भक्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज की कथा है गीदड़ और कुत्ते की अधिया खेती। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में गीदड़ तथा कुत्ते रहा करते थे। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि वे साझी खेती करेंगे, यानी जो खेती में होगा उसका आधा आधा लेंगे। यह खबर सारे जंगल में आग की तरह फैल गई। जंगल में सभी जानवर इस दोस्ती से चकित रह गए। लोमड़ी के सरदार ने अपनी बिरादरी की पंचायत बुलाई और कहा, वीर लोमड़ों, यह गीदड़ अपने को बहुत चालाक समझते हैं। अब तक जंगल में चालाकी तथा बुद्धिमानी के लिए हमारा ही नाम लिया जाता था। वे गीदड़ अब सबसे बुद्धिमान बनने चले हैं। गठजोड़ भी किया है तो कुत्तों के साथ, जिनका ना कोई धर्म है ना कोई ईमान। इनकी तो आपस में ही नहीं बनती, एक दूसरे को नोचने को तैयार रहते हैं ये। लोमड़ों में सबसे खतरनाक काना लोमड़ था। उसने कहा, बोने दो साझी खेती, देख लेना क्या हालत होती है गीदड़ की। मैं सब बंटा धार ना कर दूं तो मेरा काना लोमड़ नाम नहीं। इधर गीदड़ तथा कुत्तों की मैत्री के नारे लग रहे थे। सारे जंगल में आवाजें गूंज रही थीं। इन्हें सुनकर जंगल का राजा शेर अपने मंत्री लकड़बग्घे से कह रहा था, बड़ी ही बेमिसाल दोस्ती है, यह दोस्ती चल नहीं सकेगी महाराज, दोनों एक दूसरे के जन्मजात दुश्मन हैं। इधर लोमड़ों ने फैसला किया कि इस मैत्री को सिरे नहीं चढ़ने देंगे। राजा आश्वस्त होकर अपने शयन कक्ष की ओर चले गए। गीदड़ तथा कुत्तों ने मिलकर धरती जोती, बुआई की, रखवाली का काम कुत्तों ने संभाला। गुड़ाई तथा सिंचाई का काम दिन में गीदड़ करते थे। हरी भरी फसल लहलहाने लगी। अपने सफलता पर गीदड़ तथा कुत्ते आनंद से नाचने लगे। फसल के पककर तैयार होने पर एक दिन काना लोमड़ खेत में घुस गया और उसने बहुत सी पकी बालियां चुरा ली। अगले दिन इस चोरी की बात को लेकर दोनों पक्षों में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया। इसके बाद अगले दिन फिर चोरी हो गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। उसी दिन काना लोमड़ कुत्तों के सरदार से अकेले में मिला और बोला, गीदड़ लोग बेईमान होते हैं, चोरी उन्होंने ही की है। चलो जो हुआ, हम दोस्ती के नाम पर धब्बा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हमारी जाति तो पहले ही बदनाम है, सरदार बोला। फिर भी गीदड़ों को सबक तो सिखाना ही चाहिए, आखिर कुत्ते उनसे ऊंची बिरादरी के हैं, गीदड़ तो सदा ही उनसे डरे आए हैं, काने लोमड़ ने भड़काया। लेकिन हम लड़े मरे तो जंगल के जानवर हम पर हंसेंगे, सरदार ने शंका जताई। काना लोमड़ कुछ करीब सरका और उसने सरदार के कान में कुछ कहा। सरदार के मुख पर थोड़ी मुस्कान फैल गई, कहने लगा, युक्ति तो ठीक बताई तुमने लोमड़ भाई। फसल के गहाई बरसाई के पश्चात अनाज की ढेरी तैयार हो गई। इस मौके पर सारे गीदड़ और कुत्ते वहाँ पर मौजूद थे। उनमें इस बात पर बहस हो रही थी कि बटाई कैसे हो। तभी कुत्तों के सरदार ने सुझाव दिया, गीदड़ अपना एक सरदार चुन लें, वह जो भी फैसला करेगा वही हमें मंजूर। कई गीदड़ एक साथ बोले, हम सभी सरदार हैं, हमारी बिरादरी में एक सरदार नहीं होता। लेकिन इस काम के लिए तो तुम्हें चुनना ही पड़ेगा, सरदार कुत्ता बोला। तभी एक तगड़े से गीदड़ ने कहा, यह क्या हूं लगा रखी है, शोर मचाना जानते हो, काम की बात करते नहीं। कुत्तों ने जब अपना सरदार चुन रखा है तो फिर हम क्यों पीछे पड़े हैं, चुन लो अपना सरदार। आखिर चुनाव का जमाना है,
प्रत्येक काम चुनाव से ही तो होता है। कुत्तों का सरदार गीदड़ों से बोला, इन्हीं को चुन लो, यही सबसे मोटे तगड़े हैं। गीदड़ फिर हूँ हूँ करने लगे। उस हूँ हूँ को ही गीदड़ों की सहमति समझकर कुत्तों के चौधरी ने घोषणा कर दी कि वही मोटा गीदड़ गीदड़ों का सरदार है। अब बोले कौन? सभी कुत्तों से डरा मोटा गीदड़ मन ही मन खुश था कि एक मिनट में ही वह गीदड़ों का सरदार बन गया। तभी कुत्तों के सरदार ने एक डंडा मंगवाया। मोटा गीदड़ डरा कहीं पिटाई ना हो जाए। सरदार ने उसके मन की बात बांटते हुए कहा, डरो नहीं मोटे गीदड़, यह सरदार का डंडा है, इसे तुम्हारी पूंछ से बांध देंगे। अनाज की ढेरी पर इस डंडे को जहां मार दोगे वहीं से बंटवारा हो जाएगा। मोटा गीदड़ अब अनाज की ढेरी पर डंडा मारने बढ़ा। तभी कुत्तों ने शोर मचा दिया। सभी गीदड़ भाग खड़े हुए। जिसको जिधर नज़र आ रहा था उधर ही भाग रहा था। गीदड़ का सरदार अपनी खोह की ओर भागा। कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। जब वह खोह में घुसने लगा तो सरदार का डंडा बाहर अटक गया। भीतर से उसकी पत्नी घबरा कर बोली, अजी भीतर आ जाओ ना, यह दुष्ट तुम्हें मार डालेंगे। मोटा गीदड़ डर के मारे बोल ही नहीं पा रहा था, केवल अंदर घुसने के लिए जोर लगा रहा था। क्या बात है, अंदर क्यों नहीं आते? काना लोमड़ बाहर से सुन रहा था। कहने लगा, भाभी भीतर कैसे घुसे, सरदार का डंडा अड़ा है। इतना कहकर वह खूब जोर से हंस दिया। कुत्तों ने सरदार गीदड़ को धर दबोचा तथा उसे मार डाला। सरदार के डंडे ने उसकी जान ले ली थी। लोमड़ों की चाल काम कर गई। कुत्तों की गीदड़ों से फिर से शत्रुता हो गई। दोस्तों आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।